अब्राहम के साथ परमात्मा के वाचा। बाढ़ के आय के कई साल बाद संसार में खूब सारा मनई रहत रहे और ऊ परमात्मा के खिलाफ और मनई के खिलाफ पाप करा लग गए। कैसे कि ऊ सब एक ठे भाषा बोले करत रहे हैं, एक वजह से ऊ एक साथ इकट्ठा होई के परमात्मा के आज्ञा का उल्लंघन कर दें और एक ठे नगर का बनाइन। ऊ सब बहुत खराब रहे हैं और परमात्मा के जैसे अपने जीवन का नहीं चलामा का चाहत रहे और एक ठे मीनार बनामा लगे जोन सड़क तक पहुंच जात। तब परमात्मा देखिन कि यदि ई ऐसे इकट्ठा होई के बुराई करत रही ई खूब हस पाप के काम करा लगी। एक कारण परमात्मा उनके भाषा बोली का अलग अलग कर देन और ऊ मनैन का सगला संसार में फैला देन। ऊ जौन नगर का बनाउत रहे हैं वखर नाम बाबेर रख देन, जखर मतलब हो था गड़बड़ी। कई सालन के बाद परमात्मा एक थी मनई अब्राहम से बात करी। परमात्मा कहिन कि ते अपने देश दुनिया का और परिवार कुटुंबी का छोड़ के चले जा जहाँ मैं तो ही बताई हूँ और कहिन कि मैं तो ही आशीर्वाद दई हूँ और तो से एक ठे बड़ा जात बनई हूँ और तोर नाम महान कर दई हूँ। जौन तो ही आशीर्वाद दई वही मैं आशीर्वाद दई हूँ और तो से एक ठे बड़ा जात बनई हूँ और तोर नाम महान कर दई हूँ। जौन तो ही श्राप दई वही मैं श्राप दई हूँ और जौन तो ही आशीर्वाद दई वही मैं आशीर्वाद दई हूँ और तोर वजह से संसार के कुल जाति आशीर्वाद पई हूँ। तब अब्राहम परमात्मा के बात का मान के अपन मेहरिया और डेरा जाजाद और सेबकन का ले के चल दईस और परमात्मा वही जौन देश दिखाइन तो अमा चलोगा व देश के नाम कनान रहो है। तब जब अब्राहम व देश में आ गा तब परमात्मा कहिन कि अपन आजू बाजू देख ले मैं तो ही पूरा देश दई हूँ और ते यह मां अच्छे से अपन कुल कुटुंबी के साथ रह करे। तब फिर अब्राहम वह मां रह लगो। ओखे बाद मलकीसिदक नाम के एक थे मनई जोन परमात्मा के पुरोहित रहो है। एक दिन अब्राहम लड़ाई करके आउत रहो है तो उसे यह मिलिस त अब्राहम का आशीर्वाद दईस और कहिस कि जौन सबसे महान सरग और धरती के मालिक हबा ऊ तो ही खूब आशीष दे। फिर अब्राहम लड़ाई में जीते वाले सामानन के दसवा भाग दई दईस और वही फिर कईयों साल गुजर गा पर अब्राहम के कोनो लड़का बच्चा नहीं रहुआ। तब परमात्मा अब्राहम से बात करिन और कहिन तो लड़का होई और जैसे आसमान में तरई न हब उतने हस्तोर कुल कुटुंबी होई ही। अब्राहम उनके ऊपर विश्वास करिस और परमात्मा वही धर्मी मनई आए कही के बताइस। तब फिर परमात्मा उसे एक ठे वाचा बांधिन। वाचा दो जन के बीच में संधि के काम होता। परमात्मा यह प्रतिज्ञा अब्राहम से सोत के समय में करिन लेकिन वह तभु परमात्मा की आवाज का सुन सकत रहो। परमात्मा कहिन मैं तो ही तोरे शरीर से बेटवा उपजा के दई हूँ। मैं यह कनान देश तोरे कुटुंबी का देत हूँ पर ओके बाद भी कोनो बेटवा ओके पास नहीं रहुआ। उत्पत्ति अध्याय 11 से 15 से बाइबल की एक कहानी।